अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नमूने लोग जहां पर भी खड़े हो जाते हैं, कांड वहीं पर से ही शुरू हो जाते हैं और किस्मत से ये कारनामे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। आज फिर हम लेकर आए हैं वीडियो जिसमें हम आपको अनबिलीवेबल कैमरा कॉट मूवमेंट के साथ साथ इन लोगों से भी मिलवाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करना और हमेशा की तरह इस वीडियो को भी अपना सपोर्ट देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हो, क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप खुद देख लो। ये वीडियो भारत के हरियाणा की है, जहां पर लोगों ने एक अजीब सा मूवमेंट देखा जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां पर सब लोग खड़े थे, जिन्होंने बाद में देखा कि सामने वाली जमीन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, जिसके बाद इन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और बाद में जो हुआ वो सच में बहुत अजीब था कि आहिस्ता आहिस्ता कितनी ऊपर आ गई, ये आप खुद ही देख लो। वहाँ पर खड़े एक आदमी के पास इसका जवाब नहीं था कि ये क्या हो सकता है। आप भी जरूर बताना कि ये क्या हो सकता है। जो आप कुछ भी हो, इसको हम कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं। यहाँ पर ये आदमी इस लड़की के साथ काफी मजे के साथ ठुमके लगाते हुए नाच रहा था, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर कितने सारे लोग होने के बावजूद भी वो डांस नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने अपने ऊपर का कंट्रोल खो दिया और चल दिया इस लड़की के साथ नाचने। लेकिन वहाँ पर अचानक इसकी बीवी की एंट्री हो जाती है, जिसके बाद का नज़ारा सच में देखने के काबिल है। इसकी बीवी आकर इसे थप्पड़ मारकर लेकर जाती है और फिर घर जाकर इसका क्या हाल हुआ होगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीवी से कौन नहीं डरता। ऊपर से ये भाई साहब रंगे हाथों पकड़े गए। इस टूल नाका की सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हुआ, इसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। इस ट्रक के बाद यहाँ पर एक टेम्पो आता है, जिसके ऊपर काफी सारे लोग बैठे हुए थे, और जैसे ही वहाँ पर ये गाड़ी रुकती है, लो हो गया कांड। टूल के बैरियर ने इन्हें दनादन मार दिया। ये ड्राइवर भी अजीब है, जिसने गाड़ी के ऊपर बैठे लोगों पर गौर ही नहीं किया। वैसे देखा जाए तो गलती इन लोगों की ही है, अगर इन्हें बैठना ही था तो गाड़ी के अंदर बैठ जाते, लेकिन नहीं, इन्हें छत पर बैठकर ताजी हवा खानी थी। आपने गई भैंस पानी में ये कहावत तो सुनी होगी, लेकिन इन भाई साहब ने मार्केट में एक नई कहावत को लॉन्च किया है, जो कि आप भी देखिए। ये भाई साहब अपनी बाइक को फ्लाई की मदद से बोर्ड पर ले जाना चाहते थे, जो कि बिना किसी गलती के कर भी लेते, लेकिन यार गाड़ी बोर्ड पर आने के बाद ब्रेक लगाना चाहिए ना, जैसा कि इस भाई साहब ने नहीं किया, और फिर क्या था, गई बाइक पानी में। इस बाजू वाले भाई का रिएक्शन को देखिए, जैसे बोल रहे होंगे, अरे बेटा रुक जा, आगे रोड नहीं है। लेकिन ये भाई साहब तो बड़े हैवी ड्राइवर जा निकले, जो पानी में गाड़ी चलाने निकल पड़े। रास्ते में यहाँ पर एक सांप आ जाता है, जिसे ये वर्कर वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, जिससे किसी को नुकसान ना हो, लेकिन काफी कोशिश करने पर भी वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बिना डरे सांप को उठा लेती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, और जिसके बाद वो इसे लेक में छोड़ देती है। जहाँ ये वर्कर इतना डरा हुआ था, वहाँ इस लड़की ने आकर काफी अच्छे से मदद की। अब जरा इन जनाब के हेलमेट को पहनने का तरीका तो देखो, जो दुनिया से अलग है ना, क्योंकि इसने हेलमेट को उल्टा जो पहन रखा है, और पहनने के बाद इस बात की खबर नहीं। जब कार में बैठा आदमी इस बात को नोटिस करता है, तब इसे सही पहनने के लिए बताता है। सच में लोग हद से ज्यादा भोले होते हैं। अगर हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, तो निकलने से पहले गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करना जरूरी होता है, वरना हमारी गाड़ी रास्ते के दरमियान बंद हो सकती है। और कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां दूर दूर तक गैस स्टेशन नहीं होता। इस आदमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी गाड़ी रास्ते के दरमियान बंद पड़ गई, जिसकी वजह से इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से घर जाना पड़ा। तो जब ये आदमी सुबह इसे लेने आता है, तब इसे कुछ और ही नज़ारा दिखता है। उसने वहाँ पर आकर देखा कि इसकी गाड़ी के चारों टायरों के साथ साथ गाड़ी के इंजन भी चोरी हो गया है, जिसके बाद इसका गुस्सा देखो, बिल्कुल जायज भी है। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि सिर्फ एक रात में ही गाड़ी के साथ लोगों ने कांड कर दिया। अगर आप कभी किसी खेती में गए हों, तो वहाँ पर आपने इस तरह के पुतले जरूर देखे होंगे। ये इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि कोई जंगली जानवर इस फसल को खराब ना कर सके, लेकिन ये जानवर काफी स्मार्ट हो चुके हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि ये पुतले हैं, जिस वजह से ये इनसे नहीं डरते। लेकिन हम इंसान भी कुछ कम नहीं हैं। इस आदमी ने इस पर एक जुगाड़ ढूंढ लिया है,
जिसे देखकर जानवर तो क्या, इंसान भी इस खेत में जाने से पहले 10 बार सोचेगा। यही पुतला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि कितना डरावना लग रहा है। इसे रात में देखकर तो गांव वालों की हवा टाइट हो जाती होगी। जिस तरह हम इंसान वक्त के चलते स्मार्ट होते जा रहे हैं, इस तरह जानवर भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। यकीन नहीं होता तो इस गाय को देख लें, जो कि इस दरवाजे को मुंह से खोलने का काम कर रही है, जिसे बड़ी आसानी से यह गाय खोल लेती है और अंदर चली जाती है। कुछ भी हो, यह गाय तो होशियार निकली। बर्फ के पिघलने की वजह से यहाँ की बर्फ पानी बनकर बहने लगी, लेकिन इस पानी में ये लोग भी थे जो कि बर्फ के एक छोटे से टुकड़े पर तैरते हुए आगे जा रहे हैं। अब पता नहीं ये लोग इस बर्फ को एंजॉय कर रहे हैं या फिर गलती से ये लोग इस बर्फ पर रह गए। अब पता नहीं ये लोग किस तरह से यहाँ से निकलेंगे। इन्हें देखकर तो लगता है ये वहाँ पर मजे ले रहे हैं। यहाँ पर ये लड़की अपने घर के बाहर ऑर्डर आने का वेट कर रही है, जिसने ऑनलाइन फूड मंगवाया था, और जैसे ही डिलीवरी बॉय आता है तब ये अपना ऑर्डर लेती है, और जैसे ही वो घर के अंदर जाने के लिए मुड़ती है तो वहीं गिर जाती है, जिसकी वजह इसके एयरफोन है जो गेट की डंडी में फंस गया और इस लड़की को गिरा दिया। काम करते वक्त आप भी जरा ध्यान रखना। आर्मी के नौजवानों को काफी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो जाकर एक फौजी बनता है, और ये भी कहते हैं कि फौजी किसी से नहीं डरते, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है ये हम आपको नहीं कह सकते। वो किस लिए ये आप खुद ही देख लो। यहाँ पर ये सारे ऑफिसर ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से जो हुआ किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर अचानक एक ऊंट घुस जाता है जो सभी जवानों पर हमला कर देता है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि सभी जवान यहाँ से भागते हैं। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कोई आम इंसान भी होता तो वो भी डर जाता। आखिर ये भी इंसान ही है, इन्हें भी जानवर से डर लग सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।